उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों जनता के बीच खुद पहुंच रहे हैं। पहले जनता दरबार लगाया जाता था और जनता पहुंचती थी मुख्यमंत्री के दरबार में, लेकिन इस दशहरे की रात कुछ ऐसा हुआ कि देहरादून के लोग भी हैरान रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनके प्रदेश का मुख्यमंत्री युवा नेतृत्व को धार दे रहे पुष्कर सिंह धामी उनकी दुकानों पर आ पहुंचे हैं। जी हाँ, रात जब दशहरे का मेला चल रहा था और हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था, स्थानीय लोगों और दुकानदारों के बीच खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच गए। पहले पान की दुकान पर राजू भाई की दुकान पहुंचे और सादा पान खाया। उसके बाद अलग अलग दुकानों पर जाकर लोगों से हाल चाल लिया और उनसे पूछा कि कामकाज कैसा चल रहा है। पुष्कर सिंह धामी का यह मुख्यमंत्री से अलग एक आम आदमी का नया अवतार था, जिसे देखकर स्थानीय लोग भी खुश थे और अपने मुख्यमंत्री से मिलकर बेहद खुश नजर आ रहे थे। पुष्कर सिंह धामी का यह नया अवतार देखकर जहां एक तरफ स्थानीय लोग खुश हैं और अपने बीच अपने मुख्यमंत्री को पाकर उनसे सेल्फी खिंचवा रहे हैं और हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षियों के पेशानी पर भी चिंताओं की लकीरें हैं, क्योंकि 2022 का चुनाव बेहद करीब है और जनता के बीच जो जाएगा, जनता का समर्थन और वोट वही पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज़ वारिस।